पाकिस्तान में सूरतहाल इस वक्त इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है कि इमरान खान ने हर लेवल पर बड़े एहतजाज का आगाज़ कर दिया है। हुकूमत इमरान खान को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसका कोई बस नहीं चल रहा। खेल अब बहुत अजीबोगरीब हो चुका है। अब इमरान खान की गिरफ्तारी की खबर ने पूरे मुल्क में तहलका मचा दिया है, जिसके बाद तहरीक इंसाफ के टाइगर्स बड़ी तादाद में बनीगाला जमा होना शुरू हो चुके हैं। तकरीबन इस वक्त तक जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, 2000 खैमे बनीगाला और उसके आसपास लग चुके हैं। आज 20 तारीख को इमरान खान अवाम को लॉन्ग मार्च की कॉल दे सकते हैं, जिसके बाद मुल्क में कुछ भी हो सकता है। हुकूमत इमरान खान को हर मुमकिन नज़र बंद करने की कोशिश कर रही है। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि मुल्क भर में इस वक्त गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं, 24 घंटे इंतहाई अहम हो चुके हैं, या इस्लामाबाद बंद हो या खान साहब। इस टॉपिक का बाकायदा आगाज करने से कबल नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। नाजरीन, इमरान खान की गिरफ्तारी, पुलिस की गाड़ियाँ बनीगाला पहुँचने लगी, अगले 24 घंटे इंतहाई अहम, किसी वक्त कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। तीन इम्पोर्टेंट प्लान इस वक्त टेबल पर पड़े हैं, जिन पर हम वीडियो में बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि इस वक्त वतन अजीज इंतहाई मुश्किल हालात से दोचार है। इमरान खान को हटाने वालों ने पाकिस्तान के साथ जुल्म किया है। ये अमरीकियों ने किया या मकामी गद्दारों ने, सबका कड़ा एहतसाब होना चाहिए। जो इस साजिश का हिस्सा बना, उसे उल्टा लटकाया जाएगा इंशाल्लाह। इम्पोर्टेड हुकूमत ने पहले एक गलती की और अब वो दूसरी गलती करने जा रहे हैं, जिसके बाद इसका नामो निशान मिट जाएगा। पहले हम देखते हैं कि इस्लामाबाद से असल खबर क्या आई है, उसके बाद हम आपको अंदर की खबर बताएंगे कि क्या होने जा रहा है। नाजरीन, इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी, कारकुनान हिफाजत के लिए बनीगाला पहुंच गए। 2000 से जायद कारकुनान ने बनीगाला के अतराफ में खैमे लगा दिए। रहायश और खाने पीने के अलावा दीगर जरूरी इकदाम भी कर लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की हिफाजत के लिए कारकुन बनीगाला पहुंच गए। इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी को नाकाम बनाने के लिए कारकुनान ने बनीगाला के अतराफ कैमरे लगा दिए हैं। इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के 2000 से जायद कारकुनान बनीगाला पहुंच चुके हैं। हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार या नज़रबंद कर सकती है। लॉन्ग मार्च में इस्लामाबाद बंद होगा या फिर इमरान खान इससे पहले गिरफ्तार। इमरान खान जान की बाजी लगाकर भी इस हुकूमत को घर भेजना चाहते हैं। वो किसी से बात नहीं कर रहे। नए इलेक्शन का ऐलान और हुकूमत को घर भेजना उनकी पहली जिम्मेदारी है। नाजरीन, कारकुनान ने इमरान खान की रहाइश का बनीगाला के अतराफ में खैमे लगा दिए। कारकुनों ने रहाइश, खाने पीने और दीगर जरूरी इकदाम भी कर लिए हैं। कारकुनान अपने साथ बिस्तर, पानी के कूलर और जरूरी सामान भी लाए हैं। इमरान खान 20 मई को लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान मुल्तान जलसे में इस्लामाबाद आने की तारीख देंगे। जलसे से खिताब करते हुए फैसल जावेद ने सवाल किया कि मंजिल करीब है, इस्लामाबाद आने के लिए तैयार हो? इमरान खान जो काम कर रहे थे, इस हुकूमत ने रोक दिए हैं। इस्लामाबाद की कॉल पर इम्पोर्टेड हुकूमत की टांगे कांप जाएंगी और इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो इम्पोर्टेड हुकूमत एक्सपोर्ट हो जाएगी। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि फैसलाबाद से भी एक लोटा निकला है, हकीकी आज़ादी की तहरीक शुरू हो चुकी है, जिसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। नाजरीन, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा पुरअमन एहतजाज किया है। 20 मई के बाद लॉन्ग मार्च की कॉल दूंगा, कारकुन तैयारी करें। हफ्ते को सियालकोट में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, किसी सुपर पावर के सामने नहीं झुकते। सियालकोट के जुनून को सलाम पेश करता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह खौफ से आज़ाद कर देता है। हम किसी की गुलामी कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा पुरअमन एहतजाज किया है। इमरान खान ने कहा कि मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवा कर महफूज जगह पर रख दी है, अगर मुझे कुछ हुआ तो वो वीडियो सामने आएगी। उन्होंने कहा कि कोई मुल्क इस वक्त तक खुशहाल और तरक्की नहीं कर सकता जब तक कानून के ताबे ना हो। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि इलेक्शन की तारीख मिलने तक इस्लामाबाद से अवाम का समंदर नहीं जाएगा। इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं, साफ शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। कल इस्लामाबाद मार्च की कॉल दूंगा। मार्च में बरसगीर की तारीख का सबसे बड़ा इंसानों का समंदर शिरकत करेगा। उन्होंने पीटीआई यूथ से खिताब करते हुए कहा कि मार्च से कबल मुल्तान में आखिरी जलसा होगा। कल इस्लामाबाद मार्च की कॉल दूंगा। मेरी कॉल पर पूरी कौम को इस्लामाबाद पहुँचना है। इस्लामाबाद पहुँचने का मकसद हकीकी आज़ादी है। एक आज़ादी होती है जिसमें हम कहते तो आज़ाद हैं, लेकिन
बाहर से डिक्टेशन मिलती है। रूस से गंदम और तेल नहीं लेना, बाहर से डिक्टेशन मिलती है। दूसरी वो आज़ादी होती है जिसमें सारे फैसले अपने लोगों की बेहतरी में किए जाते हैं, लोगों को दूसरों के लिए कुर्बान नहीं किया जाता। नौजवानों एनर्जी बचा लो, मुझे इस्लामाबाद मार्च के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। नाज़रीन दूसरी आज़ादी वो होती है जिसमें वो मुल्क अपने लोगों की बेहतरी के लिए आज़ादाना फैसले करता है। इस आज़ादी में दूसरे लोगों के मफादात के लिए अपने लोगों को कुर्बान नहीं किया जाता। इस मौके पर पुरजोश कारकुनों से खिताब करते हुए इमरान खान का कहना था कि नौजवानों अपनी तवानाइयां बचा लो, हमें अपने मार्च के दौरान आपके जुनून जोश और आपकी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए आप अपनी तवानाइयां बचा लें। हकीकी आज़ादी की वजाहत करते हुए इमरान खान का कहना था कि एक होती है वो आज़ादी जिसको हम आज़ादी तो कहते हैं मगर उसमें हमें बैरूनी ममालिक से अहकाम दिए जाते हैं कि हम ये करें ये ना करें। आज नई हुकूमत को आए 5 हफ्ते से जायद हो चुके हैं लेकिन फैसलों में कन्फ्यूजन है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। लंदन, सऊदी अरब और वाशिंगटन के हंगामी दौरे भी हुए, इत्तेहादियों से तवील मुशावरतें भी हुई, मगर फैसलों की पटारी है कि खुलने का नाम ही नहीं ले रही। पहले हुकूमत 2 महाजों के दरमियान फंसी हुई थी, एक महाज सड़कों पर इमरान खान की यलगार की सूरत में था और दूसरा IMF की 2-धारी तलवार की सूरत में, मगर अब एक तीसरे महाज ने भी मुंह खोलकर हुकूमत के करीब होना शुरू कर दिया है। आला अदलिया की तरफ से Article 63A की तशरीह के फैसले ने विफाक और ख़ास तौर पर पंजाब में नौजायदा हुकूमत के लिए बड़ी और फौरी मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। शहबाज शरीफ साहब जो पहले विफाक में बड़े चैलेंजेस से निमटने के लिए दौड़ धूप कर रहे थे, अब उनको पंजाब में अपने बरखुरदार की कुर्सी बचाने की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। इस आज़ादी में दूसरे लोगों के मफादात के लिए अपने लोगों को कुर्बान नहीं किया जाता। इस मौके पर पुरजोश कारकुनों से खिताब करते हुए इमरान खान का कहना था कि नौजवानों अपनी तवानाइयां बचा लो, हमें अपने मार्च के दौरान आपके जुनून जोश और आपकी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए आप अपनी तवानाइयां बचा लें। हकीकी आज़ादी की वजाहत करते हुए इमरान खान का कहना था कि एक होती है वो आज़ादी जिसको हम आज़ादी तो कहते हैं मगर उसमें हमें बैरूनी ममालिक से अहकाम दिए जाते हैं कि हम ये करें ये ना करें। आज नई हुकूमत को आए 5 हफ्ते से जायद हो चुके हैं लेकिन फैसलों में कन्फ्यूजन है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। लंदन, सऊदी अरब और वाशिंगटन के हंगामी दौरे भी हुए, इत्तेहादियों से तवील मुशावरतें भी हुई, मगर फैसलों की पटारी है कि खुलने का नाम ही नहीं ले रही। पहले हुकूमत 2 महाजों के दरमियान फंसी हुई थी, एक महाज सड़कों पर इमरान खान की यलगार की सूरत में था और दूसरा IMF की 2-धारी तलवार की सूरत में, मगर अब एक तीसरे महाज ने भी मुंह खोलकर हुकूमत के करीब होना शुरू कर दिया है। आला अदलिया की तरफ से Article 63A की तशरीह के फैसले ने विफाक और ख़ास तौर पर पंजाब में नौजायदा हुकूमत के लिए बड़ी और फौरी मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। शहबाज शरीफ साहब जो पहले विफाक में बड़े चैलेंजेस से निमटने के लिए दौड़ धूप कर रहे थे, अब उनको पंजाब में अपने बरखुरदार की कुर्सी बचाने की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी।